मजा तो आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, गिरते गिरते बचे हैं भाई। वेलकम टू अनदर व्लॉग दोस्तों, स्वागत है आपका फुकेत में। भाई मैं हूँ फुकेत के बस टर्मिनल 2 पे और अपन आए थे भाई बैंकॉक, बैंकॉक से फुकेत। तो आपको पता ही होगा जैसे कि, तो हम अभी घर में आ चुके हैं। सुबह सुबह छोड़ दी थी भाई बस, कल का वीडियो नहीं बना पाया बैंकॉक टू फुकेत वाला, क्योंकि बहुत थक चुके थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और क्या ही बोलूँ, एकदम ही नींद आ रहा था। खाना पीना भी ढंग का कुछ था ही नहीं। तो अभी अपन खाते हैं भाई कुछ, जो जो अपन 7-Eleven पे ख़रीदे थे वो खाते हैं, उसके बाद अपन निकलते हैं भाई सीधे कहाँ, अपने हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल अभी तक अपन ने बुक नहीं किया है, तो अपन जाएंगे सीधे और वहीं से करेंगे। देखते हैं वहाँ का प्राइस क्या है, अगर वहाँ का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो ऑनलाइन बुक कर लेंगे, ऑनलाइन का ज़्यादा रहेगा तो ऑफलाइन बुक कर लेंगे। देखते हैं पहले क्या करते हैं, पहले फ़िलहाल खाते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई अपने को ये मिली हुई है टुकटुक जैसे ही है, ये भी 15 भाट ले रही है, 15 भाट देख सकते हो आप, 15 भाट। तो अपने को जहाँ पहुँचना है वो यहाँ जा रही है, वो ये जा रही है, तो अपने इसमें बैठ गए हैं। कोई बस वस लेने का झंझट नहीं पड़ा, यहीं बस स्टेशन में ही खड़ी हुई थी, देखे पूछे तो अपन जा रहे बस। कैसे यार, बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है। भाई का तो तबीयत खराब हो गया है, गले में खराश है, कफ है। कैसे भाई नहाया? भाई अभी नहाया नहीं है भाई, अभी जाके बोलते हैं। वॉक सिर्फ कितने की भाई? 550 भाट। 550 भाट मतलब समझ रहे हो, 1000 और 250, 1200, 1300 रुपये का पड़ेगा। कैसे यार, और उसमें भी ट्रेंडिंग में क्या था उसके पैकेट पे, वो कान से जुड़ा रहता है ना ब्रो, सेम, तो उसको लेने की इच्छा ही नहीं होती। वो रहा भाई लास्ट में है, ब्लू वाला जो दिख रहा है वो है अपना होटल नहीं, अभी तक बुक नहीं किए हैं। देखते हैं वहाँ खाली है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन बुक करते, जो भी है देखते हैं पहले। चल तीन ऐसा है कि अपने को नहीं मिला भाई, वहाँ पे पूरा फुल बुकिंग था, 3-4 पे हॉस्टल पता किए, सबके तक फुल बुकिंग थे। कहते यार भाई, तो हालत ख़राब हो गई है और इतना बुकिंग करने की कोशिश की, ऑनलाइन भी नहीं हो पाया। और अपने को जाने था भाई क्राबी, लेकिन अपन आ चुके हैं फुकेत, क्योंकि क्राबी का अपने को टिकट भी नहीं मिला था, इसलिए अभी फुकेत में है। अब फुकेत में अपन ने सोचा है कि भाई अपन चलते सीधे फिफी आइलैंड, क्योंकि अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिफी आइलैंड ही था, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से फिफी आइलैंड चलते हैं। और होटल बुक तो हुआ नहीं है, लेकिन फिफी आइलैंड का भी कोई फेरी अपन ने बुक नहीं किया है, तो अपन चलते हैं अभी इधर, देखते हैं क्या होता है मामला। अभी कुछ भी, सब ना अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कैसे यार भाई, अपने साथ कुछ भी हुआ है। कैसे, अपन थे भाई बैंकॉक में, अपने को जाना था क्राबी, लेकिन अपने को क्राबी का टिकट नहीं मिल पाई, इसलिए अपन ने पहुंच गया फुकेत। कहते यार भाई, उसके बाद फुकेत, अब यहाँ तो आ गए फुकेत, लेकिन यहाँ पे अपने को हॉस्टल नहीं मिल पाया ना होटल नहीं मिल पाया। होटल है भाई 23,000 के, खरीदोगे भाई 23,000? नहीं भाई, यहीं सो जाएंगे। ये तो यहाँ सो जाएंगे, स्लीपिंग बैग 2000 रुपये का, ये सोएंगे। तो होटल नहीं मिल पाया तो अपन जा रहे हैं अब सीधे फिफी आइलैंड। फिफी आइलैंड का आज का बुकिंग नहीं है, वो कल और परसों का अपन ने बुक कर लिया। अब अपन फिफी आइलैंड पहुंचे ना पहुंचे, कल और परसों का बुकिंग है वहाँ। तो सीन खतरनाक है भाई, एकदम खतरनाक है। क्या गर्मी है भाई, फट्टे से गर्मी है भाई, देख सकते हो चेहरा काला काला हो रखा है। सफर में निकल गए, तो अपन सोच रहे गर्मी है तो अपन इसी में घुस जाते हैं भाई, एकदम पूरा हो जाएगा मामला। ये है भाई 20 भाट में, 20 भाट में आप कपड़े धो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये है सिस्टम भाई यहाँ का, समझ रहे हो, एकदम खतरनाक सिस्टम है। और अपन चलते हैं अभी इधर, बस 1 किलोमीटर अभी पैदल चलना है। अभी अपन भाई 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, क्योंकि यहाँ का जो टैक्सी है ना भाई, बहुत पैसा ले रही है, बहुत पैसा भाई, 500 भाट भाई। टेम्परेचर 32 है, 32 भाई, हाँ चलते भाई। फिर ये है भाई यहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं, यही है रसाड़ा हार्बर, यहाँ से मिलते हैं भाई फेरी, और समझ रहे हो ना, यहाँ से अपन लेंगे भाई फेरी और निकलेंगे यहाँ से सीधे फिफी आइलैंड की तरफ।
और यहाँ पे कर सकते हैं अपन फेरी और स्पीड बोट बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस है भाई 550 भात। आप देख सकते हैं ये है भाई स्पीड बोट का रेट है, स्पीड बोट का रेट। और स्पीड बोट और फेरी दोनों मिल जाएगा, तो चलते हैं भाई। रेट वेट आप देख लेना, मतलब यहाँ ज़्यादा स्पीड बोट का है भाई 900 भात और फेरी का है भाई 450 भात है भाई, और भाई मेरा उसको धुलाते हुए आ रहे हैं। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे स्पीड बोट का भी टिकट बुक कर सकते हैं, और पूरे के पूरे भाई यहाँ पे फॉरेनर भरे पड़े हैं, कोई बात नहीं। चलते हैं अपन का है भाई अंडमान निकोब अंडमान वेव फेरी, और यहाँ खाने पीने का भी है एक्सप्रेसो 60 भात। यू वांट ब्रो? नो ओके। दिस इज अ अमेजिंग क्रूजर, तो ऐसा ही अपना कोई क्रूज रहेगा, इसी में जाना पड़ेगा। गेट नंबर 3 ओके। और ये है भाई यहाँ का कोली कोतरा कोलोडी रसाड़ाफिया टू कोफीफी, ये है कोफीफी भाई, कोफीफी से रेली बे इधर पड़ता है भाई ओनांग, और इधर बहुत सारा भाई बहुत सारा आइलैंड, आप बहुत सारे आइलैंड में जा सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं। पूरे के पूरे फॉरेनर है भाई, पूरे के पूरे, कैसे ब्रदर? पूरे के पूरे फॉरेनर है। ओके जाते हैं भाई अंदर, गेट नंबर 3 में अपना पार्किंग है बोलते हैं, वहीं जाने का है, मतलब यहाँ देख सकते हो कितने फॉरेनर हैं, पूरे के पूरे फॉरेनर। ये है भाई क्रूज का एंट्रेंस, यहाँ से अपन एंटर करते हैं भाई। ये देख सकते हो, ये है फेरी जो है, अच्छा है क्रूज मेरे ख्याल से, ठीक है चेक करते हैं। ये भाई इस फेरी का सबसे ग्राउंड फ्लोर, कैसे ब्रो? ग्राउंड फ्लोर है भाई, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है, लेकिन ठीक है ऊपर भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फर्स्ट क्लास वाले लोग सबके सब ऊपर में, लेकिन उसको क्या पता भाई क्या हम फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते? जा सकते हैं भाई, क्यों नहीं जा सकते ब्रो, जा सकते ना ब्रो, वी कैन गो ब्रो। तो ये है भाई, क्या है ये? फिश मैव सूप विथ राइस, वो दिखा पीछे से उसका निकाल नहीं चलता, देखो क्या क्या है इसका? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही अंदर किसी की मुंडी है ऑक्टोपस टाइप की, देखो उसको, वो गोल वाला अंडा नहीं है ये ऑक्टोपस का भाई, वो है चमड़ी है ऑक्टोपस, और सिर भी छिला हुआ, छिला हुआ सिर भी है, ये खाते हुए बुढ़िया से हो गया। और ये है भाई उसका गोश, ऑक्टोपस का क्या गोश, मगर तो उल्टी हो जाती भाई। और ये उसका दूसरा गोश, अच्छा लग रहा है, बाप एकदम
देख के इतना मजा आ जा रहा है। वो बस भाई यहाँ से आ जाते हैं वॉक करते हुए, तो अपन चलते हैं अपने होटल की तरफ, के बाद मिलते हैं, ये सब बैग वैग रख के आपको मिलते हैं सीधे बीच बीच वगैरह पे, क्योंकि यहाँ का हवा भाई मेरे को एकदम खतरनाक लग रहा है, समझ रहे हो। तो चलते हैं भाई हवा में सैर करते हुए, चले भाई लेट्स गो। ऐसी बुक की है जिसके बाहर निकलते ही सीधे बीच पड़ते हैं, ठीक है चलते हैं भाई। इधर पूरा पार्टी शार्टी सब चल रही है। ब्रो अपन होटल बुक किए हैं लेकिन कल का किए हैं, आज का अपन का बुकिंग नहीं है। तो अपन ने उनसे बात की कि आई हैव बुकिंग बट टुमारो, सो कैन आई पुट माई लगेज हियर, बोलते हैं ओके 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 ऐसा, ठीक है। तो अपन चलते हैं भाई एक्सप्लोर करते हैं फीफी का आइलैंड। क्या आइलैंड? फीफी आइलैंड ब्रो, फीफी आइलैंड। आ चुके हैं भाई के लिए चड्डा अड्डा और ये सब खरीदने के लिए, तो खरीद रहे हैं भाई। ब्रो दिस इज लुकिंग सो गुड, देयर कलर इज सो गुड, ओके सो चेंज करो भाई और देखो कैसे। कई गर्मी है भाई, गर्मी है भाई इसलिए लेना पड़ रहा है। हाँ नहीं तो नहीं लेना पड़ता। हाउ मच फॉर दिस? आई विल बाय सेम प्राइस ब्रदर, आई डिस्काउंट फॉर यू। बताओ भाई लोगों को कितने रुपए का आपने चप्पल लिया भाई? 300 baht। 300 baht यानी 300, 300, 600, 750 rupees का चप्पल लिया है। ये वाला ब्रो दिखा दे भाई, ऐसा चप्पल अपने यहाँ पर 100 से 150 rupees में मिलता है। और ये मैंने कितने में लिया? ये मैंने लिया 750 rupees का, 750, 300 baht में। और आपने भाई और क्या खरीदा? आपने खरीदा कैप, खरीदा दिखा भाई कैप दिखा। 250 baht मतलब समथिंग 500 के ऊपर। 250 baht यानी 500 plus 125, ये वाली अपने यहाँ 500 rupees की, 650 समथिंग का इसने कैप खरीदा। और भाई अभी खरीदा इसने भाई ने शॉर्ट्स, वो चड्डा शॉर्ट्स खरीदा भाई 200 baht का, मतलब 500 rupees का शॉर्ट्स खरीदा। मतलब टोटल मिला के मेरा ये दो से 2.5 हज़ार का सामान बस यही है, बस और कुछ नहीं भाई, सिर्फ एक चप्पल, एक चप्पल, एक टोपी और एक चड्डा, ये 2.5 हज़ार बहन 12 बजे बस। अब भाई चेंज करेगा उसके बाद अपन चलते हैं भाई बीच की तरफ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कई गर्मी, मेरे को करना है कहीं नहाने का है, क्योंकि मेरे को डुबकी लगाने का है। हम जाएंगे आई विल चेंज नाउ, तो कहाँ चले हो? जाते जाते हुए देखो क्या दिखा मेरे को, डू नॉट टच दिखा रहे हैं इसको भाई। अगर आपको तुरंत खाने का है तो इसको तुरंत निकालेंगे, तुरंत बनाएंगे और तुरंत आपको सर्व करेंगे। ऐसा दिख रहा है भाई, क्या मेरे को ये खाना चाहिए? इसका मैं मिनी बर्तन खा चुका हूँ लेकिन ये थोड़ा बड़ा बर्तन है, तो थोड़ा ये अजीब सा भी दिख रहा है। और भाई ये तो एकदम डेंजर दिख रहा है। चलते चलते भाई मेरे को दिखा यहाँ पे, ये है भाई ऑक्टोपस, ठीक है। और ये चिकन, तो मैंने लिया चिकन, चिकन को अभी ये लोग क्या करेंगे, ग्रिल करेंगे। क्या करेंगे? ग्रिल, ग्रिल करेंगे ना ब्रो ये लोग, ग्रिल। ओके सो दिस इज माय चिकन, ओके। तो ये आइलैंड बहुत छोटा है, इसको अपन कम से कम 8-10 kilometers का है, ये स्क्वायर फीट में बोलूँ, मतलब 8-10 kilometers चल लिए तो पूरा आइलैंड घूम लिया ऐसा है। तो ये वाला आइलैंड अपन पैदल भी कर सकते हैं, और सबके सब पैदल ही कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ चल नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ फेरी वेरी लिया जा सकता है, टूर लिया जा सकता है, पैकेज वैकेज लिया जा सकता है। तो देखो स्कूबा स्कूबा डाइविंग वाला है शायद, ठीक है करेंगे भाई अपन भी। ऐसे भी अपने पास दो दिन है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मेरा बस हो रहा है भाई, यहाँ का नज़ारा ही देख लो बस आप, ये पूरा लॉन्ग टेल बोट पड़ी हुई है वहाँ पे, खूबसूरत खूबसूरत लड़की हुई है। और ये देखो भाई क्या नज़ारा है भाई, लेट गो ब्रो। ये
है भाई फीफी आइलैंड का एक बीच है, यहाँ पर पानी नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं बोट वोट हैं आती हैं शायद, इसलिए गीला है, शायद रात में आएगी, अभी नहीं आएगी। और अपन ले सकते हैं भाई यहाँ से वो क्या बोट ले सकते हैं, लॉन्ग टेल बोट ले सकते हैं, बहुत ऑप्शन है अपने पास। और यहाँ पे अभी सब सनसेट का भी व्यू का मजा लेंगे, ठीक है कहते भाई इधर। तो भाई तो अपन ले रहे हैं भाई यहाँ एक बोट, ठीक है बोट ले रहे हैं बोट। तो यहाँ पे अपन ने जूते चप्पल रख लिए हैं, अपन ने ले रहे हैं बोट, अब जाएंगे अपने यहाँ भाई। ये जॉनी सीन्स है भाई, जॉनी सीन्स है क्या वो, जॉनी सीन्स है ब्रो क्या वो, जॉनी सीन्स है, नहीं नहीं इधर किधर जाना है, इधर जाना है। तो यहाँ देखो भाई ये है भाई, यार कैसा अजीब सा लग रहा है भाई, अजीब सा लग रहा है। इस बैग में अपन डाल लिए हैं अपना सारा सामान, मेरा मोबाइल है बाहर, अगर मोबाइल डूब गया तो मैं डूब गया भाई, मोबाइल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना, मोबाइल के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, मोबाइल नहीं है कुछ नहीं है, मोबाइल है तो सब। I don't know how to swim. It's okay. I wear a life jacket, bro. Okay. और अपन भाई अभी है पानी में, ठीक है, और अपन सिर्फ दोनों जाएंगे, अपन दोनों बच जाएंगे, पूरा मजा आ जाएगा, पूरा भाई सात समुंदर पार कर दे। देख रहे भाई क्या है, कैसे ब्रो सात समुंदर पार कर, समुंदर पार में थे डाउन ब्रो, नो सलीप, ओके वेट, ओके ओके हियर, या सिट डाउन, ओके ओके ओके, चप्पू चलाना है भाई इधर से उधर, ओके ओके समझ रहे ना दादा, ओके ओके Okay. This way more, you go this way, on the middle. Can we go Maya Bay in this beach? Maya Bay ka 4 day, you go stop there. Okay. 4 day. Charge, okay. Okay. First, okay. Yeah. Oh, this way, go left side. Okay. Okay. Then left side. No, left side here, no, you go there. You cannot. Go this way more. Left side. Okay, okay, okay. Let's go, bro. Yeah. चला अच्छे से चला। अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपन भी समुद्र में भाई, देखो भाई भाई चला ना भाई, भाई डूब जाएंगे तो भाई, अगर यहाँ पे भाई आ गया क्या, यहाँ पे अगर आ गया भाई मगरमच्छ तो भाई खत्म है भाई, अरे मजा आ रहा है भाई। देखो अभी मैं चलाता हूँ ये भाई, क्या है अब प्रेशर लग रहा है करंट में, ज्यादा लगाना पड़ रहा है क्योंकि तू सिंगल चप्पू चला रहा है ना तो तेरे को ज्यादा लग रहा है। चलो चलो चलना जल्दी, दौड़ाते क्या, मजा तो आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, गिरते गिरते बचे हैं भाई। क्या करंट, वाटर का करंट, मैं
वो इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं, हाँ हाँ वेव्स के साथ चल रहे हैं, ओके अब भाई लेकिन लेफ्ट दबते हुए जाना पड़ेगा, लेफ्ट दबा दे लेफ्ट, और देख बहुत दूर एक ठुक गया है, चल भाई चल 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 भाई, बहुत गहरा है भाई, एक घंटे से अपन चप्पू चला रहे हैं लेकिन अपन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आरा पट्टा लहर चल रहा है भाई एकदम, लेकिन भाई जो मजा है ना भाई, एडवेंचरस लाइफ हो तो ऐसी वरना ना हो, ठीक है देखो पीछे कितनी अच्छी और हम है यहाँ, समझ रहे हो भाई, पहुंच ही नहीं पा रहे इधर, किनारे आ गए लेकिन अपन पहुंच नहीं पा रहे, अभी कोशिश कर रहे हैं भाई पहुंचने की, अभी अगर ये वीडियो नहीं आया समझो तो अपन समझ जाना कि डूब गए हैं मर गए हैं, ठीक है ना, और अपन चलते हैं भाई सीधे, देख रहे हो भाई कैसा डूल रहा है भाई, इधर से उधर हो रहा है, तो चलो भाई चलते हैं भाई, मिलते हैं बाद में भाई, डर लग रहा है भाई, मैं तो डूब जाऊंगा भाई, तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी भाई, क्या है ना भाई कि मैं ना डूबना नहीं चाहता हूँ भाई, मेरे को जिंदा जाना है भाई, भाई तुम मेरे को जिंदा लेके जाओगे ठीक है ना भाई, ठीक है साथ में मरेंगे और जिंदा रहेंगे तो साथ में जिंदा रहेंगे, या तो दोनों रहेंगे या तो दोनों ही नहीं रहेंगे, समझ जाओ भाई, चलते भाई ज्यादा बकवास नहीं करता, लेकिन भाई ये जो नजारा है ना भाई एकदम सेक्सी है भाई, अभी भी समुद्र में एक घंटा हो गया भाई, देखो अपन पहुंचने को आया है, लेकिन फिर भी भाई अपन अभी भी समुद्र में है भाई, अभी भी पहुंच नहीं पाए, एक डेढ़ घंटा हो गया भाई चप्पू चलाते, लेकिन अपन बहुत करीब है भाई, पहुंच जाएंगे भाई, भरोसा है भाई, खुद पे भरोसा है भाई पागल हो रहा हूँ भाई, समुद्र में फट रही है भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत फट रही है भाई, इधर अंधेरा हो गया, आपको तो टॉर्च के कारण ठीक ही दिख रहा है, लेकिन नीचे देखो बहुत डरावनी है भाई, समुद्र जितना अच्छा दिखता है ना भाई उतना डरावना रहता है भाई, इतना याद रखना भाई, फिर भी अपन चप्पू चला रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना भाई, क्या भाई आधा किलोमीटर और है भाई, चलो 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 भाई, फाइनली भाई जमीन अपने को मिली गई, जमीन नहीं मिली है लेकिन ठीक है, पहुंच गए भाई फाइनली, अपन को यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा क्योंकि अपन जमीन पे बहुत लेट है, दिखा पीछे से क्योंकि अपन इसको बहुत लेट लेके आए हैं भाई, ब्रदर अपन गलत रास्ते आ गए, इधर इधर तो पूरा जमीन है, उसको बुलाए जा, तू बुला के मैं यहीं पास हूँ, हाँ ठीक है, तो भाई यहाँ पे फट के चार हो गई थी भाई मेरी, सही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई देख सकते हो छोटी सी बोट है जिसमें पीछे मैं बैठा था, सामने भाई बैठे थे और हालत ख़राब हो गई, खराब भाई आज अपना एक्सपीरियंस बहुत शानदार एडवेंचर भाई, बहुत एडवेंचरस था, मज़ा आ गया, इसमें अपना सामान है, अब ठंड लग रही है भाई, पूरा गीला हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं भाई, मज़ा तो आया भाई, बहुत मज़ा आया, कल अपन पूरा वन डे के लिए लेंगे और करेंगे 12 आवर सर्वाइव चैलेंज ब्रो, बिकॉज ओ क्या बोल रहा था पता है ऑनर की अपन आएंगे ही नहीं करके, आज आएंगे ही नहीं करके ऐसा बोल रहा था, उसको क्या पता भाई इतने अपन है इंडियन, क्योंकि अपन थकते नहीं ना धकते नहीं ना डरते नहीं कहीं से, अपने में है बहुत गट्स। अब यहाँ स्टार्ट हो गया है भाई नाइट का पार्टी जो होता है वो स्टार्ट हो गया है, सकते हो भाई वहाँ पे चल रहा है भाई फायर शो, देखते हैं अपन उसको, मजा आएगा भाई,
नहा चुके रेडी हैं एकदम ही कड़क से भाई, नहाने के बाद अच्छा लगा और अपन सेफली पहुंच चुके हैं भाई उस नाव को चलाते हुए। और अपन जा रहे हैं भाई अभी नाइट मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद क्या होता है मेरे को खुद नहीं पता आज क्या होगा, क्योंकि आज रुकने के लिए कुछ है नहीं अपने पास, बस अपन जो हो रहा है देखा जा रहा है, यही है सीन अपना, ठीक है ना। पीपी आइलैंड की वाइब भाई बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही सही है, मतलब खतरनाक है मतलब एकदम सही है, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। मैं तो रिकमेंड जो भी है वो करूँगा कि बैंकॉक पटाया छोड़ो, सिर्फ आइलैंड में रहो। मैं तो नेक्स्ट टाइम अगर मान के चलो कभी आना हुआ तो सिर्फ आइलैंड में रहूँगा भाई, सिर्फ आइलैंड में और कहीं नहीं। खैर यहाँ पे अपन दो रात है, नहीं आज पहली रात, कल की रात, परसों की रात, तीन रात है ना भाई, अपन तीन दिन है अपन भाई। और ये अपना एकदम सही डिसीजन रहा क्योंकि अपन फुकेत में नहीं रहे, फुकेत में कुछ नहीं है भाई, जैसे पटाया वैसे ही फुकेत है, जैसे बैंकॉक है वैसे ही फुकेत है बस भाई। एक इंडियन फूड मिला, पपाया इंडियन फूड, अब यहाँ पे अपन चलते हैं, अपन कुछ खाने का सीन बनाते हैं, कुछ खाते हैं। लेकिन यहाँ के फूड का प्राइस बहुत ही हाई है, यहाँ इंडियन खाएँगे ठीक है भाई। इंडिया में इंडिया खाना पसंद नहीं आता, इंडिया से बाहर जाने के बाद ये भी मतलब समझ आती है कि इंडियन खाना होता है। सौ 150 भाग के नीचे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, 150 आने हो गए, 300 450 के नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा, 450 के नीचे है ना भाई। वेजिटेरियन में कितना में है? 150 160। भाई ने पैक कराया है 250 भाग का बिरयानी, चिकन बिरयानी 250 भाग, 25 रुपए की भाई, 625 रुपए का है। अब ये नहीं पता अपने को कि ये टेस्ट में कैसा है, वो अभी अपन खा के देखेंगे। और मैं भाई अभी 7-Eleven से खरीदूंगा जो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को क्या अच्छा लगता है देखना, अभी मैं शॉपिंग करूंगा 7-Eleven से, आपको दिखाता हूँ ठीक है, कहते यार भाई। फिर अपन बैठ के अपने हॉस्टल पे बैठ के आराम से फायर शो देखते हुए अपन खाएंगे। पहुँच चुके 7-Eleven, अब यहाँ से देखते हैं क्या खरीदते भाई। यहाँ तो सब चीज़ ख़त्म हो रखा है, क्या मैं जो खाना चाहता हूँ वो मेरे को मिलेगा, क्या वो मिलेगा? हाँ भाई वो ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा, देखते हैं। पहले तो मेरे को चाहिए बर्गर, आई वांट बर्गर ब्रो। बर्गर का यहाँ पे भाई फिफी आइलैंड में 7-Eleven में महंगा है भाई, क्यों पता नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में लोग ज़्यादा लग जाता होगा। और ये वाला जो मैं खाता था, ये वाला ये 20 भाट में मिलता था लेकिन यहाँ 30 भाट में है, तो महंगा है। और कोका कोला भी यहाँ पे महंगा है, और क्या बोलते हैं जो मैं वहाँ रेडी टू ईट फूड जो लेता हूँ वो भी महंगा है, बर्गर भी महंगा है, फुल्ली महंगा है भाई। आपको दिखाता हूँ कितना महंगा है, पास्ता 65 भाट, एंड दिस इज फॉर 58 भाट, 68। इसको अब उस टाइम दोपहर में तो ये 45 में खाया हूँ इसको, कैसे इसको 45 में खाया था। ये देखो भाई इतना सब चीज़ मैंने खरीद लिया ओनली 128 भाट में, अब चलते हैं अब इसको खाएंगे। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो भाई। यहाँ पे चल रही भाई बॉक्सिंग, सब उसको पैसा लगा रहे हैं, समझ रहे हो, और अंदर जाने के लिए बाय करना पड़ेगा जो कि अपने को नहीं करना है, नहीं देखना है, अपन देख लेंगे भाई OG WWE, समझ रहे हो ना। Oh, 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 oh
गया भाई फायर पार्क में मछली करने में। और कैसा है भाई टेस्ट बिरयानी का? ठीक है भाई, भाई खुद है बिरयानी के साथ, तो मैं तो भाई वहाँ फायर पार्क में ही मजा करूंगा। अभी इसको खा लेता हूँ पहले। Take it anymore. If you're breathing, please don't let it show.